उलुकेशिया आलुकेशिया ये सब एग्जांपल आएंगे, इसमें से स्मालिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां भी एक्सेप्शन होगा। डायकॉट विथ पैरेलल वेनेशन, डायकॉट लीफ विथ पैरेलल वेनेशन, यहां के लिए आप एग्जांपल क्या लेंगे, फॉलो फिलम। रिंजियम ओरिंगियम कई नाम आएगा, लेकिन मार्क किसको कह रहे हैं कॉलम फिल्म को, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्मालिक्स पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल एग्जाम के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि रेटिकुलेट वेनेशन अगर होगा तो फिर उसको हम लोग बांट सकते हैं मिडरी के आधार पर दो पार्ट में, या पैरेलल वेनेशन होगा इसको भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं रेटिकुलेट वेनेशन में पहला आएगा यूनिकॉस्टेट, यूनिक का मतलब हो जाएगा वन और कॉस्टेट का मतलब हो जाएगा मिडरी। लीफ विथ सिंगल मिडरी एक मिडरी मगर हो तो नाम हो जाएगा यूनिकॉस्टेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको मिलेगा पीपल में, मैंगो में, आप कभी भी इसके लीफ को देखिए तो जैसे मैंगो का लीफ अगर आप देखिएगा तो पेटियोल होता है और जो लीफ है उसमें रेडिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है और एक ही मिडरिब होता है सिंगल मिडरिब। ये जो मिडरिब है जिसको यहाँ दिखा रहे हैं हम मिडरिब को, वो मिडरिब यहाँ पर क्या है वन एक मिडरिब, इसलिए नाम हो जाएगा यूनिकॉस्टेट। लेकिन अगर सोचिए अगर मल्टीकॉस्टेट की बात करें तो मल्टी का मतलब हो जाएगा मेनी, कॉस्टेट का मतलब हो जाएगा मिडरी। जब मेनी मिडरी हो जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा मल्टी कॉस्टेट। अब उसमें ये देखता है कि वो सारे मिडरी क्या एक जगह पर जाके मिल जाते हैं, कन्वर्ज कर जाते हैं तो कहेंगे कन्वर्जेंट, अगर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं तो कहेंगे डायवर्जेंट। इसलिए जो मल्टी कॉस्टेट होगा वो दो प्रकार का हो सकता है, एक कन्वर्जेंट और एक डायवर्जेंट। तो पहले हम लोग कन्वर्जेंट को देख लें। कन्वर्जेंट में क्या होगा मिडरिब मीट टुगेदर एट एपेक्स, मिडरिब मीट टुगेदर एट एपेक्स, एपेक्स पर आकर के सब क्या हो जाएगा एक साथ मिल जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। एग्जांपल के लिए हो जाएगा प्लम, बेड में ऐसा होगा जिसको कहेंगे डिजिफस जुजुबा, इसको आप डिजिफस कहेंगे, बेड में ऐसा होगा। बेड के लीफ को अगर आप देखिएगा तो बेड के लीफ में अब ध्यान से देखिए, अभी हम आपको एक मिडरिब दिखला रहे, दूसरा मिडरिब और हम आपको दिखला रहे हैं जो यहाँ जाकर के मिल गया है, तीसरा मिडरिब हम यहाँ दिखला रहे हैं जो यहाँ जाकर के सब मिल गया है, तो थ्री मिडरिब्स हम आपको यहाँ पर दिखला रहे हैं और इसमें से जो भेद वेनलेट्स है निकला हुआ, सब में से भेद वेनलेट्स निकला हुआ है और इसलिए रेटिकुलेट वेनेशन को दर्शाएगा।
सब एक जगह पर जाकर के क्या हो गया है, अपेक्स पर मिल गया है, ये हुआ कन्वर्जेंट। लेकिन यही अगर फैल जाए अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में चला जाए तो क्या कहेंगे, डायवर्जेंट। तो डायवर्जेंट हो सकता है, तो डायवर्ज में क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। अब जैसे इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे आप, तो ये आएगा ग्रेप में, अंगूर में, इसको वाइटिस कहते हैं आप ग्रेप। दूसरा कुकुरबिट्स में होगा और कैस्टर में होगा, कुकुरबिट्स एंड कैस्टर। रेडी अरंडी में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो इसके लीफ को अगर आप देखेंगे, ये ऐसा नजर आएगा और लगेगा कि जो स्टॉक से जो मिड्रीव है वो एक इसमें गया हुआ है, तो दूसरा इसमें गया हुआ है, तो तीसरा इसमें गया हुआ है, तो चौथा इसमें गया हुआ है, और सबसे भेलेट सिंगलेट है। तो इसलिए अब देखिए सब अलग अलग डायरेक्शन में गया हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे डायवर्ज कर जाना, इसलिए नाम हो जाएगा डायवर्जेंट। अगर हम पैरेलल वेरिएशन की बात करिए, रेडीमेड के जैसा ही यहाँ पर भी पैरेलल वेरिएशन में आपको कंडीशन क्या मिलेगा, इसमें भी होगा यूनिकॉन्स्टेंट एंड मल्टीकॉन्स्टेंट। एक होगा यूनिकॉन्स्टेंट, इसका मींस है यहाँ सिंगल मिड्रीव होगा, सिंगल मिड्रीव। इसके लिए एग्जांपल लेंगे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मूसा या बनाना। बनाना को आप क्या कहेंगे, मूसा पॉराट, इसलिए का शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे, मूसा। अब बनाना का लीफ सब लोग आप देखे होंगे, बनाना में मिड्रीव काफी मोटा होता है और इसका जो पत्ता होता है वो काफी लंबा होता है, आप देखे होंगे। ये ऐसे मिड्रीव यहाँ तक पहुंचे हुए रहते हैं, बीच में ऐसा ऐसा आपको नजर आएगा देखने में। तो ये बनाना में आपको ऐसा मिलेगा यूनिकॉस्टेट, इसमें एक ही मिड्रीव है, एक ही मिड्रीव बीच से गुजरा हुआ है, आप देखे सिंगल मिड्रीव। लेकिन इसी में मल्टीकॉस्टेड अगर कर दें, मल्टीकॉस्टेड, तो मिनी मिड्रिप्स हो जाएगा। और मिनी मिड्रिप्स में दो बातें होंगी, एक होगा कन्वर्जेंट, एक होगा डायवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट के लिए एग्जांपल आ जाएगा जैसे ग्रास में, जैसे बैम्बू में, बैम्बू लॉन्गेस्ट ग्रास है, हम आपको बता चुके हैं ग्रास बैम्बू के अलावे हुई जा सकता है, मे जा सकता है। इस सब के लीफ में अगर आप देखेंगे तो ऐसा होगा। सर हम एक बैम्बू के लीफ के बारे में बात करते हैं, तो बैम्बू के लीफ में आप फिर से देखिए, बैम्बू के लीफ में जो मिड्रिप है वो देखिए ऐसे ऐसे जाकर के सर एक पॉइंट पर मिल गया है, पैरेलल वेरिएशन है, क्योंकि इसमें से हम कोई ब्रांच नहीं दिखला सकते हैं, रेडिकुलेट नहीं कर सकते हैं इसको। लेकिन यही अगर अलग अलग हो जाए तो कहेंगे डायवर्जेंट। डायवर्जेंट के लिए एग्जांपल फैन पाम, पाम का जो लीफ है अगर वो पंखे के जैसा फैल जाए, जैसे आप देखिए ऐसे ऐसे हो जाए। अब ये लीफ है और सब में ऐसे ऐसे ये मिड्रीव गुजरा हुआ है, तो आप इस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, डायवर्जेंट। डायवर्ज करके अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये था आपका वेरिएशन, लीफ वेरिएशन। आपने लीफ वेरिएशन देखा, लीफ फालोटैक्सी देखा, और वो देखेंगे लीफ का टैप्स। लीफ को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। चलिए लीफ को डिवाइड कर रहे हैं, लीफ इज डिवाइडेड इनटू सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ।
अब ध्यान दीजिए, सिंपल लीफ कब कहेंगे, कंपाउंड लीफ कब कहेंगे, ये सोचिए, ये मिडरिब है और लीफ का जो मार्जिन है वो मिडरिब से बिल्कुल अलग है। ऐसा या ऐसा हो जाए लगे कि मिडरिब धसा तो है लेकिन सॉरी लीफ का मार्जिन जो है वो धसा तो है अंदर की तरफ लेकिन वो मिडरिब को टच नहीं कर रहा है। अगर मिडरिब को ये टच नहीं कर रहा है, बीच में क्या है, मिडरिब, और किनारे वाला है लीफ मार्जिन, ये लीफ का मार्जिन है। तो लीफ मार्जिन डू नॉट टचेस मिडरिब, यहीं पर लिखते लीफ मार्जिन डू नॉट टचेस मिडरिब। जब टच नहीं करेगा तो आप उसको कहेंगे सिंपल लीफ, और लीफ जहां से निकलेगा, मान लीजिए यहां से हम निकालते हैं इस लीफ स्टेम पर से, इस लीफ को यहां से लीफ बेस पर से निकला हुआ है तो यहां पर बड़ हो सकता है, इसको कहेंगे हम लोग कैपिलरी बड़। तो सिंपल लीफ के बेस पर, ये लीफ बेस है आपको याद होगा, तो लीफ के बेस पर आपको क्या मिल सकता है, एक्लेरिक बड मिल सकता है। कंपाउंड लीफ को देखिए, कंपाउंड लीफ में क्या होगा, लीफ मार्जिन टच कर जाएगा, लीफ मार्जिन टचेस मिडरिब, मिडरिब को टच कर जाता है एंड डिवाइड द लीफ लैमिना, डिवाइड द लीफ लैमिना इनटू लीफलेट्स, और उसको लीफलेट्स में चेंज कर देगा, तब उसको कहेंगे कंपाउंड लीफ। अब देखिए कंपाउंड लीफ में क्या होगा, चलिए ऐसे ही दिखलाते हैं, ये टच कर गया ऐसे, अब ऐसा ऐसा दिखलाई दे रहा है आपको स्ट्रक्चर। तो लीफ का जो मार्जिन है अगर हम इसको ऐसे दिखलाएं कि यहां पर ऐसे टच कर गया है, फिर देखेंगे कि इसको ऐसे यहां पर टच कर गया है, इतना ही देखें। ये सेगमेंट में बढ़ गया है, यानी कि अगर इसको ऐसे दिखलाया जाए, अगर ये मार्जिन आकर यहां क्या हो गया है, टच कर गया है इसको मिडरिब को, जो बीच से गुजरा हुआ है रिब, उसको आप क्या कहेंगे, मिडरिब, उसको लीफ मार्जिन क्या किया, टच कर गया, और ये क्या हो गया, लीफलेट। अब लीफलेट में अगर स्टॉक होगा, इसका कोई अगर डंठल होगा, इसको कहेंगे पेटियोल्यूल, इसके स्टॉक को क्या कहेंगे, पेटियोल्यूल। कंपाउंड लीफ भी जहां से निकलेगा वहां पर आपको क्या मिल सकता है, बड़ मिल सकता है, एक्लेरिक बड़ मिल सकता है, जैसे हम यहां दिखला रहे हैं आपको। ये कंपाउंड लीफ को देखिए, अब ये कंपाउंड लीफ जहां से निकला है तो वहां पर आपको एक बड़ मिल रहा है, ये बड़ है एक्लेरिक बड़, वहां पर आपको एक एग्री पड़ मिल रहा है, और ये जो स्टॉक है, जो ये लीफलेट है, इस लीफलेट का जो ये स्टॉक है, डंठल है, इसको आप कहेंगे पेटियोल्यूल। जो आप पेटियोल्यूल यहां पर लिखे हैं, आप देख रहे हैं ये पेटियोल्यूल है, लेकिन किसी भी लीफलेट के एक्सिला में, यहां या यहां, इस सब में कहीं पर क्या नहीं होगा, बड़ नहीं होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कंपाउंड लीफ में क्या होगा, बड इज एब्सेंट इन इन एन एक्सिल ऑफ लीफलेट, लीफलेट के एक्सिल में नहीं होगा, लेकिन कंपाउंड लीफ के, कंपाउंड लीफ जो पूरा है सेक्टर, वो कंपाउंड लीफ है, सब मिलकर के एक साथ कंपाउंड लीफ है, उसके एक्सिल में है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक लीफलेट के एक्सिला में क्या नहीं है, बट नहीं है। तो ये याद रखना है, वहां पर क्या नहीं होगा, बट नहीं होगा। अब कंपाउंड लीफ को डिवाइड किया जाता है, अब अगर देखिए तो कंपाउंड लीफ को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में,
देखा जाए कंपाउंड लीफ लिख लिया अगर इसको, तो कंपाउंड लीफ दो प्रकार का होगा, एक होगा पिगमेंट और एक होगा फोलिएट। एक होगा पिगमेंट और एक होगा फोलिएट। अब चलिए इसको ऐसे देखते हैं हम लोग, पिगमेंट में ये अगर मिडरिब है, सोचिए ये क्या है मिडरिब, और इस मिडरिब पर लीफलेट डायरेक्ट लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ये लीफलेट है जो लीफलेट लगा हुआ है यहां, तो आप इसको कहेंगे इम्पेडिंग पिगमेंट, एक ही लगा हुआ है इम्पेडिंग पिगमेंट। लेकिन अगर जोड़े में लगा हुआ हो ऐसे ऐसे, एक लीफलेट इधर से, एक लीफलेट इधर से, एक लीफलेट इधर से, एक लीफलेट इधर से, और ये बीच में मिडरिब है, मिडरिब पर लगा हुआ हो डायरेक्ट, तो हम कह सकते हैं लीफलेट ऑन मिडरिब। लीफलेट कहाँ लगा हुआ है तो क्या आंसर होगा, मिडरिब पर लगा हुआ है, तब आप उसको कहेंगे यूनिक फिंगर। इम्पेरी पिनेट हो गया, अगर अलग अलग लगा हुआ है तो क्या कहेंगे इम्पेरी पिनेट, जोड़े में लगा हुआ रहेगा तो क्या कहेंगे पेरी पिनेट, पेरी पिनेट ऐसा नाम देंगे, और दोनों को एक साथ कहेंगे आप यूनिक पिनेट। ऐसा आपको पेरी पिनेट लीफ कहाँ मिलेगा, जब आप कैमरिड इमली को देखेंगे, इमली के पत्ता में ऐसा आपको नजर आएगा कैमरिड। चलिए सेकंड में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पेरी पिनेट जो हमने आपको दिखाया है। अब अगर ऐसा हो जाए मिडरिब के ऊपर से एक ब्रांच निकलता हो, इस पर ऐसे ऐसे लीफलेट लग जाए सेकंड पर, ये मिडरिब है और मिडरिब से जो निकला हुआ ब्रांच है, ब्रांच उस पर लीफलेट लगा हुआ है, आप पूछेगा इसको आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे बाइपिनेट। अब बाइपिनेट के लिए एग्जांपल होगा मिमोसा पुडिका, जिसको आप कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई या लाज बनती, टच मी नॉट प्लांट, याद होगा जिसके पत्ते के नजदीक स्टिमुलस ले जाने से पत्तियां सिकुड़ जाती है, वो मिमोसा पुडिका कहलाता है, वो क्या बाइपिनेट। तीसरा, अगर तीसरे ब्रांच पर देखिए मिडरिब है ये पहला ब्रांच, और ब्रांच पर से भी जो ब्रांच निकला हुआ है इस पर अब अगर लीफलेट लगा हुआ है, सेकंड ब्रांच पर अगर लीफलेट लगा हुआ है इसको कहेंगे ट्राइपिनेट। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम देंगे आप ट्राइपिनेट, ये नाम यहां पर क्या हो गया ट्राइपिनेट हो गया, और ऐसा हो जाए कि उससे भी ज्यादा वाले पर जाकर लग जाए। ये ट्राइपिनेट लीफ आपको कहां मिलेगा, तो मोरिंगा में, मोरिंगा को आप क्या कहेंगे ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक के नाम से जाना जाता है, ये ड्रम स्टिक आपको मिलेगा मोरिंगा में ट्राइपिनेट कंडीशन। अब अगर आ जाए उससे भी ज्यादा ब्रांच हो जाए, देखिए फर्स्ट ब्रांच उस पर से क्या निकला सेकंड ब्रांच, अब निकला थर्ड ब्रांच, अब इस पर अगर लीफलेट अगर लगा हुआ है तब इस कंडीशन में आप इसको क्या कहेंगे डीकंपाउंड, और डीकंपाउंड लीफ कहां होता है, तो आप कभी धनिया कोरिएंडर को देखिए, तो कोरिएंडर में आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिल जाएगा, डीकंपाउंड लीफ वहां पर होगा जो आपको नजर आएगा। तो याद रखना है कि मिडरिब से फर्स्ट ब्रांच पर अगर लगा हुआ है तब कहेंगे बाइपिनेट, मिडरिब पर ही लगा रहता है तो कहते हैं यूनिक पिनेट, मिडरिब के फर्स्ट ब्रांच के बाद जो सेकंड ब्रांच है उस पर अगर लगेगा तो कहेंगे ट्राइपिनेट, और फोर्थ ब्रांच पर जाके लगेगा तब इसको कहेंगे डीकंपाउंड। अगर आप फोलिएट को देखिए,
पेट्रोल लेंगे। देखिए ये पेट्रोल है, लीफ का डंडल क्या कहलाता है, पेट्रोल, स्टॉक ऑफ लीफ पेट्रोल। और यहाँ पर एक लीफ ऐसे लगा हुआ है और यहाँ आपको दिखाई देगा कि इसके विंग लगे हुए हैं, विंग कितना दूर तक, एक ही लगा हुआ है, सिंगल लगा हुआ है, इसको कहेंगे यूनिक फोलिएट। और इस पेट्रोल का नाम अभी इस विंग होने के कारण नाम हो जाएगा विंग पेट्रोल। अब देखिए ये विंग पेट्रोल आपको कहाँ मिलेगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, लेमन, नींबू में आपको ऐसा मिलेगा यूनिक फोलिएट। अगर इस पेट्रोल पर दो लीफलेट अगर आ जाए इधर से और एक इधर से, ये पेट्रोल है इस पर दो हो जाए, अब पूछेगा कि ये क्या है, इसको कहेंगे बाइफोलिएट। और बाइफोलिएट के लिए एग्जांपल होगा हार्ड विंग किया, हार्ड विंग किया, ऐसा नाम हो जाएगा बाइफोलिएट। तीसरा हो जाएगा ट्रैक्सफोलिएट, अगर पेट्रोल पर एक लीफलेट इधर, एक लीफलेट इधर और एक लीफलेट इधर, थ्री लीफलेट लगा हुआ हो, आप पूछा जाए कि इसको आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे ट्राइफोलिएट। अब ये ट्राइफोलिएट कहाँ होगा, इसके लिए एग्जांपल होगा वुड एप्पल, बेल में, वुड एप्पल जिसको कहते हैं आप बेल, वुड एप्पल जिसको आप क्या कहेंगे, बेल। बेल में तीन पत्ता होता है तो ये ट्राइफोलिएट हो गया। लेकिन अगर बहुत सारा पत्ता हो जाए वृक्ष के टिप पर, समझिए एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और भी लीफ यहाँ से लगा हुआ है, तब इसको आप क्या कहेंगे, ऐसे कंडीशन में इसका क्या नाम होगा, इसको कहेंगे डिजिटेट। इसका एग्जांपल क्या होगा, सेमल, सिल्क कॉटन, याद कीजिए सेमल का लीफ देखिएगा तो ऐसा ही मिलेगा सिल्क कॉटन में, सिल्क कॉटन यानी सेमल इसका एग्जांपल होगा। अब आएंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में, लीफ का कितना मॉडिफिकेशन हो सकता है, देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ सबसे पहला होगा लीफ टेंडिल। लीफ अगर टेंडिल में चेंज कर जाए, हम बता चुके हैं आपको टेंडिल क्या होता है, सिलिंड्रिकल सेंसिटिव, सिलिंड्रिकल सेंसिटिव स्ट्रक्चर, कॉइल अराउंड सपोर्ट, कॉइल अराउंड सपोर्ट फॉर क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट, ताकि प्लांट ऊपर क्या कर सके, चढ़ सके, क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट, तब आप उसको कहते हैं टेंडिल। अब यहाँ देखिए एक लीफ हम आपको इधर दिखला रहे हैं और दूसरा वाला लीफ देखिए इधर टेंडिल में चेंज कर गया, तो इसको कहेंगे लीफ टेंडिल। लीफ टेंडिल कहाँ मिलेगा, तो आंसर है स्वीट पी में, इसके लिए एग्जांपल होंगे स्वीट पी, खेसारी, लेथारस जिसको कहते हैं, स्वीट पी लेथारस, वहां पर आपको मिलेगा। अगर हम ऐसा ऐसा सेक्टर देखें, ये लीफलेट है और दो लीफलेट सबसे ऊपर है लगा हुआ, अब पता चल रहा है कि वो लीफलेट टेंडिल में चेंज कर गया, ये फोलिएसियस स्टिपल है, याद कीजिए फोलिएसियस स्टिपल आपको कहाँ बताया गया था, फोलिएसियस स्टिपल हम आपको बताए हुए हैं, ये होगा पी में, इसके लिए एग्जांपल क्या होगा, पी में, पाइसम में, और पाइसम में आपको क्या मिलेगा, लीफलेट टेंडिल, तो ये लीफलेट टेंडिल हो गया। लीफ एपेक्स टेंडिल, एक लीफ निकला हुआ है और पता चला कि लीफ का जो एपेक्स है वही टेंडिल में क्या हो गया है, चेंज कर गया है, लीफ एपेक्स टेंडिल। लीफ एपेक्स टेंडिल कहाँ मिलेगा,
तो आंसर है ग्लोरियोसा में। तो ये लीफ अपेक्स टेंडिल हो गया। याद कीजिए हम आपको स्टिपुला टेंडिल स्मॉल एक्स में बता चुके हैं। इसके अलावा हम आपको नोट में बताना चाहेंगे स्टिपुला टेंडिल जो हम आपको लिखा चुके हैं स्टिपुला टेंडिल और स्टिपुला टेंडिल स्मॉल एक्स में मिलता है स्मॉल एक्स और कभी कभी फ्लावर बर्ड जो है फ्लावर बर्ड भी चेंज कर जाता है टेंडिल में तब उसको कहते हैं फ्लावर बर्ड टेंडिल। फ्लावर बर्ड टेंडिल और फ्लावर बर्ड टेंडिल कहाँ मिलेगा इसके लिए आंसर हो जाएगा एंटीगोनल। तो आप क्या देख रहे हैं टेंडिल सबका काम एक है फंक्शन इज सेम बट ओरिजिन इज डिफरेंट। सो ऑल दिस टेंडिल्स आर गुड एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। जब आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स आएगा वहां के लिए एग्जांपल यही सब होगा जो आप पढ़े हैं प्लांट्स के लिए। दूसरा रहा है साइलोड। सेकेंड नेम आ रहा है साइलोड। साइलोड क्या होगा मॉडिफाइड पेटियोल। मॉडिफाइड पेटियोल दिया क्वेश्चन मॉडिफाइड पेटियोल यानी लीफ का स्टॉक मॉडिफाई कर जाएगा। इसके लिए एग्जांपल होंगे ऑस्ट्रेलियन बबूल ऑस्ट्रेलियन अकासिया। क्या होगा एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन अकासिया जिसको कहते हैं बबूल ऑस्ट्रेलियन बबूल। दूसरा पार्किंसोनिया। ये सब एग्जांपल होंगे। ऑस्ट्रेलियन बबूल को देखिए इसमें जहां से नोट से पहले स्टॉक होगा वही लीफ के जैसा हो गया ये लीफ है। अब देख रहे हैं लीफ कितना छोटा है और जो उसका स्टॉक है पेटियोल वो लीफ के जैसा हो गया है। ये है फालोड जो आपको नजर आ रहा है। तो फालोड क्या हो गया पेटियोल पेटियोल बिकम्स ग्रीन फ्लैग एंड फोटोसिंथेटिक। ग्रीन फ्लैग फोटोसिंथेटिक हो गया ये तब नाम हो जाएगा फालोड। थर्ड स्पाइन लीफ में स्पाइन हो जाए अगर मार्जिन पर अगर स्पाइन हो जाए ऐसा ऐसा स्पाइन लीफ के मार्जिन पर अगर क्या हो जाए ऐसा ऐसा स्पाइन निकला हुआ रह जाए तो ये स्पाइन ऐसा हो सकता है। यहां आपको अपुंसिया में दिखला चुके हैं स्पाइन। याद कीजिए ये अपुंसिया में दिखलाए थे आपको। तो स्पाइन का काम होगा इसको रिड्यूस करना ट्रांसपिरेशन के रेट को क्या करना रिड्यूस करना स्पाइन का काम होगा। निपेंथिस में आप अगर देखिएगा जहां से लीफ बेस होता है वहां से एक पेटियोलर टेंडिल निकलता है। ऐसे ये हो गया पेटियोलर टेंडिल। तो लीफ का पेटियोल भी टेंडिल में चेंज कर जाए या ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये आंसर होगा पेटियोलर टेंडिल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए पीचर को जो हरा बन जाता है लेकिन
टीचर में चेंज कर जाता है। ये हो गया लीड, इसका ढक्कन हो गया, और ये किचन का मार्जिन हो गया, ये रेड हो गया। अंदर में गैसेस ब्लेड्स होते हैं। किचन के अंदर में क्या होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड। गैसेस ब्लैड अपने में से पेप्सिन छोड़ेगा और पेप्सिन डाइजेस्ट कर लेगा इंसेक्ट के प्रोटीन को। याद कीजिए पेप्सिन हम लोग के स्टमक में भी निकलता है, यहाँ भी निकल रहा है, तो प्लांट एनिमल दोनों में निकलेगा एंजाइम पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इसलिए पेप्सिन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एंजाइम, जो प्लांट एनिमल दोनों में होता है। और ये पीचर है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि पीचर किसका मॉडिफिकेशन है, तो आंसर है मॉडिफाइड लीफ लेमिना। तो पीचर इज मॉडिफाइड लीफ लेमिना या ब्लेड, पीचर इज मॉडिफाइड लीफ लेमिना। कोई भी इंसेक्ट जब अंदर जैसे ही आएगा, अब जानते हैं कि यहाँ का स्ट्रक्चर स्लिपरी होता है, वो फिसल करके अंदर आ जाएगा, लीड उसको बंद कर देगा, और ये एंजाइम इंसेक्ट को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद फिर लीड खुल जाएगा और उसके सब्सटेंस बाहर निकल जाएंगे। इंसेक्टिवरस प्लांट्स जो हम आपको बता रहे हैं, पीचर निपेंथिस, ये क्या है, इंसेक्टिवरस प्लांट्स है। हाइपर आएगा लीफ ब्लैडर, लीफ ब्लैडर के लिए एग्जांपल होगा यूट्रिक्युलेरिया। यूट्रिक्युलेरिया इज रूटलेस, रूटलेस एक्वेटिक इंसेक्टिवरस प्लांट्स, इंसेक्टिवरस प्लांट ये कहलाएगा यूट्रिक्युलेरिया। इसमें जो ब्लैडर है, ब्लैडर इज मॉडिफाइड लीफलेट, लीफलेट जो है मॉडिफाइड है, यहाँ लीफलेट मॉडिफाइड हो रहा है और यहाँ पर लीफ लेमिना मॉडिफाइड हो रहा है, दोनों में फर्क है। अगर आप एक ब्लैडर को आप इस प्लांट पर अगर देखिए, ये लगा हुआ है यहाँ यहाँ या यहाँ, अब ये ब्लैडर है, इसमें कहीं पर भी रूट नहीं है इस प्लांट में, ये ब्लैडर है। और इस ब्लैडर को अगर आप देखेंगे, ये ब्लैडर ऐसा आपको नजर आएगा, इस पर से कुछ हेयर ऐसे ऐसे लगे रहेंगे, ट्रिगर हेयर, कुछ ऐसे ऐसे हेयर लगे रहेंगे, सेंसिटिव हेयर। और देखिए